कहा को ठेकेदार कहा को बोलेगा सब घूस खोरी लेते हैं पास हो जाती कुछ लगाओ या मत लगाओ ठेकेदार यही कही है ये आ जा अंदर ठेकेदार क्या नाम है ठेकेदार जी का देवेंद्र गोयल देवेंद्र गोयल कहाँ से हापुड़ से अच्छा अच्छा किस मानक से बना रहे हैं आप इसको जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के गांव करीमपुर में सड़क का निर्माण हो रहा है। ऐसे में धांधली का आरोप लगाकर किसान नेताओं ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की गुणवत्ता इतनी खराब है कि हाथ से सामग्री बाहर आ रही है। बता दें कि इस सड़क का निर्माण हापुड़ का एक ठेकेदार कर रहा है। 2.8 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में 39,98,000 रुपए की लागत आएगी। हाँ नहीं वो कहा को ठेकेदार कहा को बोलेगा निकल गए सब घूस खोरी लेते हैं पास हो जाती कुछ लगाओ या मत लगाओ ठेकेदार यही कही है ये आ जा अंदर ठेकेदार आप ही हैं आज ही लड़का हूँ क्या नाम है ठेकेदार जी का देवेंद्र गोयल देवेंद्र गोयल कहाँ से हापुड़ से अच्छा अच्छा किस मानक से बना रहे हैं आप इसको जेई साहब ने जैसा आदेश करेगा नहीं आपके पास जी होगी तो उसकी काफी होगी प्लांट पर देख लीजिए आप इस सड़क की गुणवत्ता इतनी खराब है कि हाथ से इसकी सामग्री बाहर आ रही है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाखों रुपए की इस सड़क के निर्माण में किस तरह खराब गुणवत्ता की सामग्री लगाकर राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। किसानों ने लोक निर्माण विभाग से मामले में कार्रवाई की मांग की है। अवर अभियंता पुष्पेंद्र कुमार का कहना है कि जांच की जा रही है, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये रोड बनी है जो कली बनी हुई है आप देख रहे हो किस तरह उखड़ रही है। आज से बहुत हल्का माल गिरा हुआ है इस पर घटिया किस्म का बढ़िया तरह से नहीं बनी हुई है। इस रोड को दोबारा बनाया जाए बढ़िया करके मतलब ठीक से माल गिर के ये मार्ग है कोटला से बड़ौदा ये रास्ता मील पर भी पहुँचता है बिजनौर शुगर मिल। ये आप देखो इसकी हालत तारकोल की मात्रा बहुत कम है और ये सड़क अभी से उखड़नी शुरू हो गई है। मात्र 2 दिन हुए हैं वो सामने देखो स्पॉट आपको दिख रहा होगा साइडों से उखड़ गई है वो ये रहा बिल्कुल भी माल नहीं है। एक तो 10-10 साल में तो इन सड़कों को बनाने का नंबर आता है ऊपर से इतनी बकवास क्वालिटी की बना देते हैं कि ये मुश्किल से मुश्किल 3 महीने 6 महीने चल नहीं पाती है। हीरा पूरा उखड़ गया है सब।